गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एकेडमी क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 साइड। 9 साइड का कोई पॉलीगन है? ठीक है, इस प्रकार का एक पॉलीगन है। ठीक है, इसके जो ये वाले एंगल है ना, ये वाले एंगल इनका क्या करना है, इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन के बाहर की कौन से एक्सटर्नल एंगल, कौन से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 360 अपॉन साइड। तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल आपको फाइंड हो जाएगा 360 से। इसको डिवाइड करोगे साइड से किसको डिवाइड करोगे, 360 को, 360 को डिवाइड करोगे साइड से, तो आपको जो एक्सटर्नल एंगल है, ये वाले जो एंगल है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की बात है। ठीक है, जिसमें साइड दे रखी होती है 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, 360 से डिवाइड करते हैं इसको, साइड से डिवाइड करते हैं 360 को। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 9 साइड। ठीक है, सॉल्व करते हैं द फॉर्मूला हो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन साइड, देन द साइड साइड इक्वल टू 9 9। ठीक है, देन एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9। नाइन फोर जा 36, तो ये हमारा आ जाएगा जो एक्सटर्नल एंगल है वो आ जाएगा 40 डिग्री आंसर। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, 9 साइड दे रखी है, 9 साइड का जो पॉलीगन है वो कुछ इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, द फॉर्मूला होते हैं एक्सटर्नल एंगल का जो फॉर्मूला होता है 360 अपॉन साइड, 360 अपॉन साइड, देन द साइड 9 साइड का जो नंबर है वो कितना है 9 है, 9 साइड है, तो एंगल क्या होगा 360 अपॉन 9, 360 अपॉन 9 कितना हो गया 40 डिग्री। 40 डिग्री हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा किसका, 9 साइड पॉलीगन का। देन 9 साइड पॉलीगन इसमें एक लाइन आप आगे राइट करोगे, देन 9 साइड एंगल आर एक्सटर्नल एंगल
नाइन साइड एंगल एक्सटर्नल एंगल सॉरी द नाइन साइड पॉलीगन्स एक्सटर्नल एंगल इज 40 डिग्री आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करो। अगला सेकंड देखते हैं। अगला हमारा है 15 साइड बी इसी का 15 साइड। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं। साइड साइड कितनी दे रखी है, 15। ठीक है, अपॉन साइड कितनी है 15, तो ये हमारा क्या आएगा, टू टाइम क्या हमारा आंसर क्या आएगा, 48 सॉरी सॉरी 24 डिग्री। एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 15। ठीक है, 15 से डिवाइड करो, टू टाइम 15 टू टाइम कितना हुआ, 36। 4 टाइम हमारा आंसर आएगा हो गया 24 डिग्री। 24 डिग्री इट मीन्स द 15 साइड पॉलीगन्स एक्सटर्नल एंगल आर 24। तो इसमें एक लाइन लिखना है, द 15 साइड पॉलीगन्स एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।